हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2020। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2020 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें चार टाइप के एल्केन गिवन है, इन चारों एल्केन में से कौन सा एल्केन हमको वुड्स रिएक्शन में एक अच्छा यील्ड नहीं देगा। हमने वुड्स रिएक्शन में ये चीज पढ़ा था कि जो सिमेट्रिकल एल्केन होते हैं वो बहुत अच्छा यील्ड देते हैं फॉर वुड्स रिएक्शन, और जो अनसिमेट्रिकल एल्केन होते हैं वो गुड यील्ड नहीं देते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन गिव्स गुड यील्ड वाया वुड्स रिएक्शन। तो हमें चार एल्केन गिवन है, हम चारों एल्केन का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एल्केन हमारा सिमेट्रिकल है और कौन सा अनसिमेट्रिकल है। फर्स्ट हमें गिवन है एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ये हमारा हो गया एन ब्यूटेन। एंड हम ये देख सकते हैं कि हमारा एन ब्यूटेन इज अ सिमेट्रिकल एल्केन, तो ये एन ब्यूटेन तो हमारा अच्छा यील्ड देगा वुड्स रिएक्शन से। सेकेंड हमको गिवन है एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। एंड हम देख सकते हैं कि जो हमारा एन हेक्सेन है, हमारा एन हेक्सेन भी एक सिमेट्रिकल एल्केन है, एंड सिमेट्रिकल एल्केन ऑलवेज गिव्स अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। थर्ड हमें गिवन है टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट हमें गिवन है टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो हमारा टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच, एंड यहाँ पे एक सी एच थ्री, देन सी एच सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। एंड हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन है वो भी एक सिमेट्रिकल एल्केन है, तो ये भी हमको एक गुड यील्ड देगा वुड्स रिएक्शन से। नेक्स्ट हमें गिवन है एन हेप्टेन, नेक्स्ट है हमारा एन हेप्टेन, तो एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू। हेप्टेन में हमारे पास सात कार्बन होते हैं, तो अब हम ये देखें तो ये जो हमारा एन हेप्टेन है सेवन कार्बन है इसमें, एंड ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है, तो ये वाला एन हेप्टेन हमको अच्छा यील्ड नहीं देगा वुड्स रिएक्शन से। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा एल्केन हमें इन चारों ऑप्शन में अच्छा यील्ड नहीं देगा, वो एल्केन देता जो अनसिमेट्रिकल है। एंड हमने यहाँ पे देखा जो हमारा एन हेप्टेन है वो हमारा अनसिमेट्रिकल है, यानी कि हमारा एन हेप्टेन विल नॉट गिव अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। Thanks for watching our channel. Please like, share and subscribe the channel.